हाल ही में तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल को मैनेज करने वाले TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने एक प्रेस रिलीज में अपनी नेटवर्थ और मंदिर में आने वाली डोनेशंस, इनकम और इन्वेस्टमेंट पब्लिश किया। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने ये डेटा पब्लिकली अनाउंस किया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ट्रस्ट पर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि ये आने वाली डोनेशंस और इनकम को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट के लिए देता है। इसी के खुलासे के लिए ट्रस्ट ने तिरुपति मंदिर से जुड़े डेटा को पब्लिश किया। और इस डेटा की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तिरुपति टेम्पल भारत की कई मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे विप्रो, नेस्ले, एयरटेल आदि से भी बड़ी है नेटवर्थ के मामले में। तिरुपति टेम्पल की नेटवर्थ इस वक्त लगभग 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा, यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जहां विप्रो की नेटवर्थ 2.15 लाख करोड़ और नेस्ले की नेटवर्थ 1.9 लाख करोड़ है। टीटीडी की संपत्ति में बैंकों में लगभग 10.25 टन सोना जमा है। 2.5 टन सोने के आभूषण बैंकों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। और पूरे इंडिया में 7123 एकड़ में फैली 960 प्रॉपर्टी शामिल है। इस सभी प्रॉपर्टीज की टोटल वैल्यू लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। टीटीडी का 2019 में कई बैंकों में एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट 13,025 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 15,938 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 3 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट में 2900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दोस्तों, यही नहीं, भारत में कई ऐसे मंदिर और ट्रस्ट हैं जिनकी नेटवर्थ लाखों करोड़ों में है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि इन मंदिरों को मैनेज कौन करता है और ये पैसा कैसे यूज होता है। तो बता दें कि ये मंदिर ट्रस्ट या ग्रुप मैनेज करते हैं। ये कई तरह के ग्रुप्स हैं, जैसे फ्रेंड्स, कॉलोनी, मोहल्ला, स्कूल्स, मजदूरों का समूह, पॉलिटिकल ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स। एक ग्रुप के रूल्स जितने अधिक जटिल होते हैं, उतने ज्यादा लोग उसमें फंसे रहते हैं। हालांकि इनमें से फ्रेंडशिप और रिश्तेदारी वाले ग्रुप कम ही स्टेबल होते हैं। मंदिर ट्रस्ट प्राइवेट तौर पर बिल्डरों या मंदिर के लीगल वारिसों द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, पर कई बार इन ट्रस्ट को जमीन दी जाती है, उसका कई तरीकों से गलत यूज होता है, जैसे कि उन्हें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है। कई बार सरकार सेंट्रल लेवल पर इन्हें कंट्रोल करती है और साथ ही मंदिरों की उनकी लोकप्रियता, महत्व और अन्य मानकों के अनुसार मूल्यांकन करना जरूरी होता है। पुराने जमाने में मंदिर राजाएं, व्यापारी संघों या लोकल लोगों के जरिए मैनेज होता था। अंग्रेजों ने 1982 में हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट लागू किया और ज्यादातर टेम्पल्स इसके जरिए ही गवर्न किए जाते हैं। हालांकि कुछ मंदिरों को इस एक्ट से छूट दी गई है। इसके अलावा प्राइवेट टेम्पल्स आमतौर पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर बने ट्रस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। और बात की जाए इनकी इनकम की, तो इन मंदिरों को डोनेशन से जो भी पैसा मिलता है वही इनकम इनकम होता है, जिसे ट्रस्ट मैनेज करता है मंदिर के रखरखाव पर और इन्वेस्टमेंट के जरिए भी। तो इस तरह कुछ ट्रस्ट तो मंदिरों के लिए बनते हैं, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए फैमिली या कंपनी ट्रस्ट बनती है, और कुछ ट्रस्ट रिलीजन के नाम पर काला काम करने के लिए भी ट्रस्ट बनाती है। वैसे अगर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में और भी जानना हो तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, और आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे ये बोर्ड भारत का तीसरा सबसे ज्यादा लैंड या प्रॉपर्टी रखने वाला ग्रुप बना। लेकिन तिरुपति मंदिर ही अकेला एक मंदिर नहीं है जिनमें इतनी बड़ी बड़ी डोनेशंस मिलती हैं। नेटवर्थ के मामले में और भी कई मंदिर हैं जो काफी अमीर हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे कुछ मंदिर और उनके ट्रस्ट की जो नेटवर्थ के मामले में बड़ी बड़ी कंपनीज को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसमें अगला नाम आता है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। यह मंदिर 108 प्रमुख दिव्य देशमों में से एक है, जो भगवान विष्णु श्री पद्मनाभ स्वामी अवतार को समर्पित है, जिन्होंने अपनी नाभि से भगवान ब्रह्मा का निर्माण किया था। पद्मनाभ स्वामी शब्द का मतलब है जिन्होंने नाभि से खिले कमल से ब्रह्मा को जन्म दिया। मंदिर और इसकी संपत्ति भगवान पद्मनाभ स्वामी की है और लंबे समय तक त्रावणकोर शाही परिवार के नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता था। हालांकि इसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर शाही परिवार को मंदिर के मैनेजमेंट में से वंचित कर दिया। इसके बाद नाम आता है तिरुपति बालाजी टेम्पल का, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। यह मंदिर भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ही मैनेज करता है। यह देवस्थानम विष्णु को डेडिकेटेड क्षेत्रों में से एक है। यहाँ भगवान बालाजी को कलयुग में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जाता है।
इसके बाद दोस्तों कई मंदिर जैसे माँ वैष्णो देवी मंदिर आता है जो जम्मू में है। अंदाजा है कि ये हर साल लगभग 500 करोड़ की डोनेशन रिसीव करता है। इसके अलावा शिरडी साईं बाबा टेंपल है जो कि महाराष्ट्र में है, अंदाजन 350 करोड़ की डोनेशन हर साल पाता है। इसके अलावा सिद्धिविनायक टेंपल मुंबई में है, सबरीवाला मंदिर केरला, मदुरई मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु भी भारत के सबसे वल्दी मंदिर में से एक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन टेंपल ट्रस्ट्स की जो भारत के सबसे वेल्दी ट्रस्ट्स हैं। भारत के कई सारी वेल्दी कंपनीज से भी ज़्यादा इनकी नेटवर्थ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।